हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं चार इजी सा हेयर स्टाइल जो कि आप रेगुलर भी यूज़ करते हो और आने वाले फेस्टिवल में भी आप यूज़ कर सकते हो। इसे टीनेजर एज वेल एज कोई भी बना सकता है। ये हेयर स्टाइल काफ़ी इजी है। तो आने वाले फेस्टिवल को ध्यान में रख के ही मैंने ये हेयर स्टाइल बनाया है। तो आई होप आपको ये हेयर स्टाइल पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना फर्स्ट हेयर स्टाइल। तो इसके लिए आप पहले बालों को अच्छे से कोम कर लें, जितने भी टैंगल्ड है उसे हटा लें, बालों से डिटैंगल कर लें अपने बालों को। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे हाफ बन बनाएंगे। हाफ बन ये काफ़ी स्टाइलिश भी लगता है एज वेल एज ये काफ़ी इजी भी है। तो बस आपको आपके आईब्रो के जो आर्च एरिया है वहाँ से आपको बालों को लेना है और उसे पीछे कुछ इस तरह से ले जाना। आप चाहें तो थोड़ा सा और बाल ले सकते हैं, अपने हेयर्स को पीछे पकड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से करके आपको बालों को पीछे रबर बैंड लगा लेना है। आप चाहें तो रबर बैंड लगा सकते हैं या फिर नॉर्मल ऐसे ही जूड़ा करके क्लच लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पहले रबर बैंड लगा लिया ताकि ये सिक्योर रहे, बार बार मुझे दिन भर बार बार मुझे इसे ठीक ना करते रहना पड़े, तो इसलिए मैंने पहले रबर बैंड लगा लिया है। जैसे रबर बैंड लगा लीजिए। अगर आपके हेयर की जो भी डेंसिटी है वो कम है तो आप क्या करें, रबर बैंड लगाएं, उसके बाद एक क्लचर लगाएं, उसके बाद क्लचर के अराउंड अपने बालों को ऐसे राउंड करते जाएं, तब जूड़ा बनाएं। इससे होगा ये कि आपका जूड़ा काफ़ी बड़ा लगेगा और आपकी बालों की डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा लगेगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे रबर बैंड लगा लिया है। अब सिंपल जैसे आप जूड़ा करते हो आपको वैसे यहाँ पे जूड़ा करना है। ये हेयर स्टाइल काफ़ी ट्रेंड में है गाइस, आपने बहुत से फिल्म स्टार को भी देखा होगा इस तरह की जूड़े को किया हुआ। इसे हाफ बन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल रेडी, और इसे आपको करने में हार्डली 5 मिनट लगेंगे। तो पहला हेयर स्टाइल बन के तैयार हो गया। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड हेयर स्टाइल। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने अपने बालों को बीच से ऐसे पार्टीशन कर लिया है। अब पार्टीशन करने के बाद कोई भी हेयर स्टाइल बनाने के पहले आप अपने बालों को डीटैंगल जरूर कर ले, उसके बाद बालों को स्मूथ कर ले, इससे आपकी हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छी बनेगी। तो बस मैंने क्या किया है, अपने सामने से थोड़े से बाल को लिया है, थोड़े से बाल को लेके पीछे जाऊंगी, पीछे ले जाके इसे मैं बस यहाँ पे क्लिप कर दूंगी। ये हेयर स्टाइल कोई भी कर सकता है, बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है, टीनेजर्स तो बिल्कुल ट्राई करें ये। तो बस मैंने क्लिप कर लिया है, अब मैं दूसरी तरफ भी ऐसे ही कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दूसरी तरफ भी कर लिया है। यह हेयर स्टाइल सब पे काफ़ी अच्छी लगने वाली, अगर आप मैरिड हो तो भी आप पे बहुत अच्छी लगेगी, आप टीनेजर्स हो तब भी ये आप पे बहुत अच्छी लगेगी, और बार बार बाल आपके चेहरे पे नहीं आती है इस हेयर स्टाइल में। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड हेयर स्टाइल। थर्ड हेयर स्टाइल जो है ये टीनेजर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वैसे भी फेस्टिवल के समय किसी के पास टाइम नहीं होता है दूसरे के लिए, तो टीनेजर्स ये काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल भी ईजी है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है इस हेयर स्टाइल में। बस आपको करना है साइड पार्टीशन, अपने बालों को कोम कर लेना है, और एक साइड से अपने ईयर के आस के पास से जो भी आपका हेयर है उसे आपको लेना है, उसे इस तरह से कोम से स्मूथ कर लीजिए, बस इसे हल्का सा ट्विस्ट कर लीजिए, या आप चाहे तो ऐसे पफ बना के सिंपल सा कोई भी सुंदर सा हेयर क्लिप ले लीजिए, फैंसी सा हेयर क्लिप ले लीजिए। अगर आप टीनेजर्स हैं तो आपके पास तो बहुत ऑप्शन है, आप कोई भी हेयर क्लिप लेके इस तरह से आप इसे टक कर लीजिए। तो ये आपका थर्ड हेयर स्टाइल बन के तैयार है, ये काफ़ी अच्छा दिखता है। नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ हेयर स्टाइल। फोर्थ हेयर स्टाइल में सिंपल हमें करना ये है कि हमें अपने बालों की साइड पार्टीशन कर लेनी है। जिस पार्टीशन में बाल ज़्यादा होंगे वहाँ से आपको क्राउन एरिया से कुछ बालों को इस तरह से पकड़ना है, उसके बाद आपके बालों को पतले पतले स्ट्रैंग को लेना है और उसके साथ आपको मिक्स करते जाना है, ऐसे कुछ इस तरह से मिक्स करते जाइए। आप चाहें तो इसे पीछे तक ले जा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे 3 से 4 ही स्ट्रैंग
लिया है और मैं इसे बॉबी पिन से फिक्स कर दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे फैंसी क्लिप का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे बॉबी पिन ही यूज़ किया है। टीनेजर्स फैंसी क्लिप ज़रूर यूज़ करें, ये काफ़ी अच्छा दिखता है। ये हेयर स्टाइल करने से आपके बाल बहुत मैनेजेबल हो जाते हैं, आपके चेहरे पे नहीं आते हैं, आप बालों को खुला रख सकते हैं। अगर आप को गर्मी लग रही है बालों में तो आप पीछे पोनीटेल कर लेंगे, तब भी ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल बन के तैयार हो गया है, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा हेयर स्टाइल सबसे अच्छा लगा और कौन सा हेयर स्टाइल आपने ट्राई किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए बाय।